जम्मू और कश्मीर के द्रुडू पंचायत बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली की एक बेहतरीन मिसाल है। द्रुडू डोडा शहर भद्रवाह से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लोग पेशे से जमींदार हैं और उनका जरिए माश फसलों और सब्जियों की काश्त है। पंचायत का रुकबा 74.1 हेक्टेयर पर फैला है और 2011 के सर्वे के मुताबिक इस पंचायत की कुल आबादी 1513 नुफूस पर मुश्तमिल है। 2018 में पंचायत इलेक्शन होने के बाद पंचायत का नक्शा रफ्ता रफ्ता बदल गया, जहाँ बुनियादी ढांचे और तामीरों तरक्की के काम हुए। सरपंच साहब ने हमारी स्ट्रीट लाइट हमारे एरिया में लगाई, हम बहुत शुक्रिया है इस बात के लिए। वहीं बच्चों की सेहत व तालीम पर खास तवज्जो मरकूज दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि तमाम 5 प्राइमरी स्कूलों में बैतुल खुला बनाए गए, स्कूलों की इमारतों की मरम्मत की गई, स्कूलों में साफ सफाई के लिए कूड़ेदान लगाए गए, बिजली व पानी का इंतजाम किया गया, बच्चों के लिए पार्क भी बनवाए गए। इस बात को यकीनी बनाया गया कि सभी बच्चे स्कूल जाएं, 100% टीकाकरण हो, पंचायत का एक भी शख्स बाल मजदूरी के कानून के खिलाफ वर्जी ना करे। इन सभी इकदामात के लिए पंचायत ने पहल की। यहाँ इस द्रुडू पंचायत में डेवलपमेंट के इतने ज्यादा काम हुए हैं, यहाँ की जनता बहुत खुश है। जो हमारे यहाँ गरीब लोगों के मकान की ऐसे काम, यह रास्ते, हर काम, टॉयलेटें, हर काम बहुत तेजी से हो रहे। हुकूमत हिंद की तरफ से मकामी सरपंच अशोक कुमार शर्मा को चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत के अवार्ड से सरफराज किया गया। यहाँ हाई स्कूल तकरीबन 35 साल से था, सरपंच बनने से मैंने उसकी हायर सेकेंडरी खुलवाया। तकरीबन 5 प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिड डे मील वगैरह टाइम पर मिलता है, अक्सर मैं वहाँ पर जाता हूँ, देखता रहता हूँ कैसे पढ़ाई हो रही है।